गफर भाई तू तो फड़िया नहीं सी गया तेनू कने आखे मैं फड़िया मेरे नाल टुरी आ रहा मरे ठहर जा की करा हूं आइदे 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 आ हां जी हां जी किथे गया से मैं दोस्तों ने फिल्म देखने गया सी थिएटर नवा जितना ग्रैंजर वीरू में है ना यस बेटा नाचना है अच्छा नाचना है और टपना है टपते टपते पूरा फेरा लाना है डन 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 फुल ग्रैंजर जनाब दोबारा 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 डन 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 फुल ग्रैंजर पहले दर्द हो रही थी सिर च बाबू नहीं नहीं आपसे वो यही नहीं जा रहा ये कॉमेडी क्यों कर रहे हो आपने दर्द से बिलबिला उठना जब आपको पड़ी है ना ओके डन नचना नहीं है टपना है उन तो सुन लो जी ये करना है आपने डांस करना जी नहीं नहीं वो डांस बाद में करना है आप आगे में तो होता नहीं है बाहर होता है हमेशा क्यों डन डन अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको हाँ इतना मर्जी डन 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 करे पांच शिफ्टें हो चुकी हैं तुम्हारी पांच हट जाओ पीछे पीछे हटो पीछे हट जाओ मैं तुम कह रहा दिया बचिया पांच पिस्तौल ही नहीं निकल पाया लालची क्या होना है वैसे ये अमेरिका से अफगानिस्तान ने निकल के अच्छा किया अमेरिका से अफगानिस्तान यार ये क्या हरकत की थी कोई नहीं गलती चाहिए अमेरिका से अफगानिस्तान निकला नहीं ये वाना वो बोल रहे हैं मेरा फल बहुत कॉल आ रही है हां बाबा कितना आर्टिफिशियल किया आपने गुड कितना क्यों करके ना आओ मेरा फोन आ गया और मेरा ख्याल है अब मेरा ख्याल यानी वो वज्र है वज्र है तो मेरा ख्याल है कि कॉल आ रही थी वज्र कौन आ रहा आपका मेरे ख्याल से इतनी आवाजें दी तुम फिर वही हरकत करते हो तुम्हारी आदत बन गई है हट आ रहा इधर उधर मुख करो एक फासले पे जाओ 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 इधर मुड़ जाओ ऐसे क्या बस अब ये पीछे आओ संदेश 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 बाप बाप ब्रेक अब इसके साथ क्या करूं ये बताएं तुम्हें सौ दफा बोला है जब मैं मुसीबत में हूँ आपने जो है वो फौरन मुझे तुमने इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी नाफ कहाँ तुमने इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी नाफ कहाँ पे उतरती है कहाँ चढ़ती चढ़ती है ये क्यों पारा चढ़ जाएगा आप यहाँ ऑफिस में लेने क्या आए आपको बताया मैं क्या लेने आया ऑफिस में तुम क्या लेने आए तुम बताओ बाकी लोगों को खुद शर्म करनी चाहिए ये सुन रहे हैं आप नहीं आप वहां बैठे 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 आप भी बैठे भाई साहब आप बैठे और आप इस कदर सीख पा क्यों हो रहे हैं ये आपका ऑफिस है नहीं ऑफिस तो किसी का भी नहीं है मगर मेरे दोस्त का किसी का नहीं है तो मैं थे नहीं ऑफिस तो बाइडन साहब का है मैं उनका मेहमान हूं नहीं ऑफिस तो बाइडन साहब का है मैं उसका मैं उनका ऑफिस तो बाइडन साहब का है मैं उनका मेहमान हूँ दोबारा दोबारा ये ना कर बाइडन तो ये ऑफिस आपका तो नहीं है ना ये ऑफिस आपका तो नहीं है ना मदीना हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और शेर की तस्ही सबसे पहले शेर एंड तो नहीं सी हुंदा नहीं नहीं भाई सारा पुट्ठा करता है इन्होंने आप कभी कभार आते हैं ना आपको पता नहीं चलता नहीं सर वैसे मेरा तो ये फेवरेट सेगमेंट है लेकिन आप भाग भी जाते हैं ना आपको जाना भी होता है कहीं क्या करते क्या हो भाई मतलब उठ जाके तुझे की करना होता है वत्त वत्त बूटियां नु पानी दे लिया घा पुट लिया बब्बू तू दुआने दा पुत्र हुंदा है अच्छा के कौन अच्छा नल्ले पे दल्ला पड़ा हुआ है दोनों तरफ है आग बराबर बुझी हुई अस्सलामुअलैकुम खबरदार में खुश आमदेद मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0 नजरात शो के आगाज में आपको ईद मुबारक कहेंगे और आपको ये बताएंगे कि आज चूंकि ये शो ईद की मुनासबत से एक स्पेशल शो है तो इसका फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज है आपका तारुफ करवाएंगे अपने मेहमानों से आपको स्पेशल शेर भी सुनाएंगे और आखिर में मैं एक ईद स्पेशल डिश भी यहाँ पे कुक करूँगा सीरियसली मतलब आप लोग यहाँ बैठ के मुझे इतना लाइट लेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था बहरहाल शो अभी शुरू हुआ है जो आप में से लाफ्टर नहीं देगा
मौला ते देख रहा चल है नासर भाई क्या आफताब इकबाल रे भाई किना आफताब इकबाल रे केड़ा आफ्ताब इकबाल ने 5 मिनट तू मंगन दे आया करके यार ने नहीं इसका नहीं इसका क्या मतलब है बरल तुम इस वाली बात रात नजरात कर क्या बगैरत तैयारी करके तैयारी करता रहा सारी रात यकीन करो सुबह आके सारा दिन रात आफ्ताब साहब ये जो गैप बढ़ा है इसके पीछे कहानी है हट धर्मी की हसद की और क्या क्या बताऊं हट तल्फी अच्छा अब मैं हर एक के साथ ना अच्छा उन्हें फिक्र नहीं करनी क्योंकि नाउ आई एम हैप्पी विद यू और सुने जनाब हूं ना करें हट तल्फी की नहीं तू वो तो तेरी सहूलत के लिए करता है पूरा शूट करना पड़ेगा समझेगी हूं मैं तुम्हें लाइन दे रहा हूं क्यों नहीं आफ्ताब साहब ये जो गैप बढ़ा है इसके पीछे By the way, Mr. आफ्ताब इकबाल जनाब एक चीज मैं आपको बता दूं Let me sit with Mr. Gunny first. Howdy, कैसे आप ओ मैं ठीक हूँ आप सुना है लेकिन पहले जूस मैं ठीक हूँ नहीं बस चुप करके बस हाँ जी मैं ठीक हूँ बस जी सर ओ मैं ठीक हूँ मिस्टर जमील आप कैसे तू अल्लाह मौका देवे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपका क्या हाल है कैफी कैसे हो चुप करके जी मैं ठीक हूँ जी सर लेट मी फर्स्ट सिट विद द प्रेसिडेंट गनी जी कैसे आप सर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ दिखा रहे पूरा स्कूल ही तुम उर्दू क्यों नहीं बोलते यार सर मैं एक वीडियो पिछले 7 दिन तो चाम वादी हो यार और तुम्हें पता है चामना खालिस टाड़ी फ्रेज है सर ये कहाँ के बड़ा है ब्लूपर बन गया आपका नहीं नहीं ब्लूपर नहीं इन्हें चलाओ अल्लाह खैर करे नहीं तो बेचारी ने गुस्सा कर लेना डॉक्टर आ गई है वाह कितने पैसे लगे ब्याह ते मेरे डाढ़े पैसे लग गए नु एक फिगर दस दे हुण मैं कोई गल करनी सी मारे 5 लाख रुपया क्यों 7 लाख मेरे को 7 लाख लग गया हां बाबा अच्छा उन्हें ना कि 3 लाख को लेन देन बाबा कितने पैसे लगे बाबा कितने पैसे लगे ब्याह दे 5 लाख रुपया लगा है मरे 3000 दा इनहेलर आना सी पहले वो तो लेंदा ए गल सी विचो चमो बेटी चमो बेटा तू तेरे च बड़ा टैलेंट है बड़ा पोटेंशियल है तेरे च बड़ा पोटेंशियल है ऐ लव बड़ा इस्तेमाल कर दें तेरे वर्गे क्यों चमो बेटे तेरे च बहुत पोटेंशियल है प्लीज तुसी मेनू ना प्लीज थोड़ा जिहा टाइम दियो मैं तन्नू वड्डी फनकारा बना दियां बहुत पोटेंशियल है भाई सारा दोबारा बना के बोल पोटेंशियल क्यों पोटेंशियल यार जरा क्लियर करवाओ पोटेंशियल चल चल ऐ पाए ना आंदे ने ते काम चल सो रुक Come on.